हेलो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है सुबेबल ट्री की सीडलिंग पे। इसको वाइटलेट ट्री भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसका साइंटिफिक नेम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो ये है इसके सीड पॉट, सी भी एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। इसको भी मैं ग्रो कर रहा हूँ पार्क में डोनेट करने के लिए। पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने चाइना बेरी का ट्री ग्रो किया था डोनेट करने के लिए। वो उनमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इन्हें मैंने ग्रो बैग में शिफ्ट किया था, 2 दिन हो चुके हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इनको। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल पे उसकी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सुबेबल ट्री की करेंगे, ये सीडलिंग करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा ट्री होता है फ्रेंड्स। इसमें रिच, इसके जो सीड्स होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। ये ट्री फूड एंड वाटर बोथ के लिए ग्रो किया जाता है, ह्यूमंस के लिए अच्छा है ट्री। वैसे तो फ्रेंड्स ये वीड है, एक अनवांटेड ट्री है, इसको कोई ग्रो नहीं करता, लेकिन फिर भी हम ग्रो करेंगे क्योंकि ट्री है, ट्री तो कोई भी ग्रो किया जा सकता है। तो हम इसे ग्रो करके डोनेट कर देंगे। चलिए फिर सीडलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीड पॉट सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, इसका एक सीड पॉट है, इसको हम हाथ से ऐसे खोलेंगे। ये देखिए बंडल्स ऑफ सीड्स हैं इसमें, इतने सारे एक ही सीड पॉट में आपको सीड्स मिल जाएंगे। मैं इसको नीचे गिरा लेता हूँ। ये देखिए कितने सारे सीड्स हैं इसमें। चलिए इनको ग्रो करते हैं। सीडलिंग फ्रेंड्स मैं ग्राउंड पे कर रहा हूँ। ग्राउंड में मैंने वाटर डाल रही है, ऐसा कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है। पहले से मैंने थोड़ा सा एनपीके फर्टिलाइजर डाला था इसमें, बस वही डाला हुआ है इस पे। तो चलिए इन्हें ग्रो करते हैं। सिंपल मैं ग्राउंड पे डाल दूंगा, इन्हें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा अभी। तो पूरे पे मैंने फैला दिए हैं अच्छे से। चलिए एक और सीड पॉट को ब्रेक करते हैं। ये देखिए कितने सारे सीड्स हैं, सीड्स भरे रहते हैं इसके अंदर, बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो अभी इसे भी फैला दूंगा इस पे। अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिए हैं। चलिए अब रिजल्ट देखते हैं कितने दिनों के बाद इसमें ग्रोथ होती है। ये 10 दिन बाद का रिजल्ट है फ्रेंड्स। मेरे इसमें से कुछ ही सीड जर्मिनेट हो पाए, बाकी मेरे बहुत से मैक्सिमम सीड जर्मिनेट नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कुछ तो ट्रीज बन गए हैं। देखें कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रीज हमने बना लिए फ्रेंड्स। अब बहुत जल्दी ये बड़े हो जाएंगे और हम इनको पार्क में लगा के आएंगे। उसकी वीडियो फ्रेंड्स मैं अलग से बनाऊंगा ग्रो करने की। इस वीडियो में मैंने आपको सीडलिंग दिखाई है। ये भी एक फ्रेंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है, तो ये आपके सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। वैसे तो ये एक वीड है, अनवांटेड प्लांट है, फिर भी हमने इसे ग्रो किया। ट्रीज तो फ्रेंड कोई भी हो ग्रो करना चाहिए। मैं भी आपको भी इनकरेज करता हूँ कि आप भी ट्रीज ग्रो करें। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।